खबर लखनऊ से है, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मत्स्य निदेशालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान सभी अधिकारी नदारद मिले हैं। मत्स्य निगम, फेडरेशन और निदेशालय तीनों में एक औचक निरीक्षण किया गया। वहीं लखनऊ मंडल के मत्स्य कार्यालय भी संजय निषाद पहुंचे। यहां डिप्टी डायरेक्टर अंजना समेत पूरा स्टाफ नदारद मिला। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कई विभागों में एक साथ निरीक्षण किया गया लेकिन एक भी वहां पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद खुद यहां पर पहुंचते हैं और इस दौरान सभी अधिकारी नदारद मिले हैं। इसके बाद अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लखनऊ मंडल के मत्स्य कार्यालय भी संजय निषाद पहुंचे हैं। यहां डिप्टी डायरेक्टर अंजना समेत पूरा स्टाफ नदारद मिला। ये तस्वीरें भी सामने आई है, ऑफिस के अंदर की तस्वीरें हैं ये, जहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। सीटें वहां पर खाली हैं, कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। अचानक से कैबिनेट मंत्री वहां पर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं संजय निषाद, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। सभी के सभी स्टाफ नदारद थे। पूरा आपका पूरा ये ऑफिस आप देखेंगे, अंदर से खाली है। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश, ये तस्वीरें सामने आ रही है, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जो कि निदेशालयों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है। तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा का पूरा ये रूम खाली है। देखिए, अटेंडेंस रजिस्टर भी उन्होंने चेक किया और कोई भी वहां आया नहीं, अधिकारी तक नहीं आए, कर्मचारी तक नहीं आए। और ऐसे में मत्स्य मंत्री का निदेशालय में, मत्स्य निगम की और फेडरेशन में ये औचक निरीक्षण साफ जाहिर करता है कि मत्स्य विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए कितना काम कर रहे हैं, कितने कारगर हैं और कितने सचेत और बहुत ही अलर्टनेस है इस पूरे विभाग को लेकर। निश्चित रूप से जो संजय निषाद है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और अनुपस्थित जितने जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह काटी जाएगी आज की, अगर वो समय पर नहीं पहुंचे हैं, और जो विभागीय अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जो विभागीय कार्रवाई है उसे भी किया जाएगा। ये जो औचक निरीक्षण है मत्स्य विभाग के मंत्री का, उनका कहना था कि मेरे मन में ये विचार आया कि जरा जाकर चेक करूं, देखूं कि लोक कल्याण में लगे ये विभाग जो गरीबों के लिए है और पिछड़ों के लिए है, बहुत ज्यादा इसका जो फंड दिया जाता है कि ऐसे लोगों के कल्याण के लिए काम किया जा सकता है, तो ये लोक कल्याणकारी सरकार है और ऐसे में लोक कल्याण में लगे। बिल्कुल वीरेश, जब लोग पहुंचते हैं तो वहां कोई अधिकारी नहीं मिलते हैं और जरूरी भी है कि यहां पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया वीरेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।